बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 8 का मैथ करना है और हमारी एक्सरसाइज है 6.6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करके इस तरह लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वेयर और ये माइनस सी स्क्वेयर इसके साथ आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 2 देखें, ए स्क्वेयर प्लस 6 ए बी प्लस 9 बी स्क्वेयर माइनस 16 सी स्क्वेयर। अब इस वैल्यू को अलग घर कर देना है, हमें सेपरेट कर देना है और माइनस 16 सी स्क्वेयर हमने अलग करके लिख देना है, ठीक है। अब देखें, ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी हमारे पास फॉर्मूले वाला होता है प्लस बी स्क्वेयर। अब 3 3 जा हमारे पास 9 होता है, तो यहाँ पर हम 3 बी स्क्वेयर लिखेंगे और 2 के साथ हम ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे और लास्ट वाली वैल्यू यानी ए वाली वैल्यू और बी वाली वैल्यू हम 2 के साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पर हम 4 सी स्क्वेयर लिखेंगे। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना है, हम लिखेंगे ए प्लस 3 बी होल स्क्वेयर माइनस 4 सी स्क्वेयर। अब इसको भी पहले क्वेश्चन की तरह एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे हम और एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस 3 बी प्लस 4 सी इंटू ए प्लस 3 बी माइनस 4 सी। थैंक यू स्टूडेंट्स।